हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और रोज की तरह मैंने आज फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज मैंने अपना ब्लॉग माता रानी से स्टार्ट किया है। मेरा ब्लॉग माता रानी से, मेरे दिन की शुरुआत हर रोज़ होती है, लेकिन ब्लॉग आज मैंने माता रानी से स्टार्ट किया है। और अभी ना मतलब करीब 8:30 बज रही होगी। आज थोड़ा सा लेट हो गया, सुबह ना बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। इसलिए अगर लेट उठने से ना काम भी बहुत लेट होते हैं, और ऊपर से काम लेट होता है तो हर काम ही लेट होता है। यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और आराध्या इतना परेशान कर रही थी ना सही से पूजा भी करने नहीं दे रही थी। और ना अगरबत्ती जो वहाँ पे मैं लगाई थी ना माता रानी के सामने, निकाल के दिखाने लगी बिना नहाए धुआए आ जाती है पूजा रूम में और बहुत परेशान करने लगती है, तो बहुत गुस्सा सा आने लगता है, चिड़चिड़ा मन सा हो जाता है। तो बस मैं उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी, चिल्ला रही थी कि बाहर निकलो, इसे बोल रही थी, और मैंने उस क्लिप को हटा दिया। तो कभी कभी पूजा पाठ करते करते ना बच्चे इतने परेशान कर देते हैं ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। और उसके बाद अभी मैं आई हूँ किचन में। आज ना मैं सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना साथ ही बनाऊँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि आज मुझे फिर से कोई काम से जाना है पोस्ट ऑफिस। तो अभी ना मैं आलू और करेला का भुजिया बना रही हूँ। मेरी रोज की दिनचर्या में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को पता है जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे, मेरी जो दिनचर्या है ना वो अक्सर सेम रहता है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे से हर रोज़ नए लोग जुड़ते हैं। तो किसी को इंटरेस्ट आता है तो वो सब्सक्राइब करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, और जिसे इंटरेस्ट नहीं आता है तो वो चले जाते हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझसे हर रोज़ कई लोग नए नए जुड़ते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पता है कभी कभी ना घर में मतलब ऐसा मेरे लिए ना, मैं हर हमेशा मायके में भी ज़्यादा टाइम घर पे बिताई हूँ और ससुराल में भी मैं ज़्यादा टाइम घर पे ही बिताई हूँ, तो मैं ना बाहर निकलना चाहती हूँ, बाहर की दुनिया में ना मतलब मिलना चाहती हूँ, कुछ वहाँ से सीखना चाहती हूँ, प्राप्त करना चाहती हूँ। हर तरह की जो चीज़ें होती है ना वो इंसान को अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए, ताकि वो आगे चल के दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। बातों ही बातों में मैंने सुबह का नाश्ता बना दिया। आराध्या चली गई है आंगनबाड़ी, इसके पापा छोड़ के आए, और फिर इनको भी मैं नाश्ता करा दी, मम्मी को भी नाश्ता दे दी थी। और ना मैं नाश्ता की ही नहीं, मैं सोची पहले ना जो दोपहर का मैं खाना बनाऊंगी ना आधा काम निपटा लेती हूँ, काम रहती है ना तो फिर भूख प्यास सारे मिट जाते हैं। तो फिर ना मैं बिना कुछ खाए पिए मैं ना सुबह में शायद 2-3 बिस्किट ऐसे ही, जब पूजा पाठ करने के बाद 2-3 बिस्किट मुँह में ली थी, और फिर उसके बाद ना मैं बोली पहले आधा काम इधर का निपटा लेते हैं तो फटाफट से, फिर उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे आलू और मटर ना मैं भूल ही गई थी, मटर आलू के साथ पहले ही दे देती ना तो काफ़ी ज़्यादा मटर सींज जाती आलू फ्राई करने के टाइम। और आज मेरा तेल भी, जो सरसों का तेल मैं यूज करती हूँ अपने खाने में, तो वो ख़त्म हो चुका है, और ये भी घर पे थे नहीं, तो मैं बोली जितना है उतना में ही मुझे बनाना है। और आज मैं बना रही हूँ मटर और आलू की सब्ज़ी और चावल दोपहर का खाने में। तो आज ना मैं थोड़ा सा मटर पीस कर डालूँगी, इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट सब्ज़ी का बढ़ जाता है और रस भी काफ़ी गाढ़ा सा हो जाता है, तो ये ना बहुत पसंद है मुझे, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं खाते इसलिए मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ। और आज मैं बहुत दिन के बाद बना रही, बहुत दिन के बाद क्या, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मटर वाली सीजन चल रही है ना, तो फर्स्ट टाइम ही ये वाला मैं बना रही हूँ। तो बस, और उसके बाद ना मैं क्या कह रही थी कि मैं ना बाहर निकलना चाहती हूँ, कुछ चीज़ को सीखना चाहती हूँ, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, मैं इतना मेहनत करना चाहती हूँ ना, इतना मेहनत करना चाहती हूँ कि लोग तो ऐसे ही जलते हैं और जल भून के राख हो जाएं, बस मैं अपने जो लक्ष्य है ना उसे किसी भी तरह से प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए एनी टाइम खड़ा रहना चाहती हूँ। ये आप लोगों से मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, आप लोग तो देखते ही देखते हैं, मेरे अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी मुझे सारे लोग देखते हैं और फॉलो करते हैं, इसी वजह से मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि कुछ लोगों ने तो इतना बदतमीज बना दिया मुझे, इतना बदतमीज बना दिया, लेकिन कहते हैं ना
मतलब जिसे तमीज़ नहीं है ना, उसके सामने बदतमीज ही बन के इंसान के पास रहना चाहिए। जैसे को तैसा, जो जैसा है बस उसके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए। वक्त वो जो वक्त है ना, बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैं ना उस सिखाने पे नहीं चली। मैं बोली चलो कोई नहीं, कभी ना कभी ठीक हो जाना है। लेकिन जब इंसान सामने से जब दुख देने लगता है ना, वो दुख बहुत बड़ा महाभारत में जब बदल जाता है ना, तो फिर इंसान को एक्शन लेना चाहिए, है क्या नहीं। तो बस दबो, इतना मत दबो कि बस आपको हर समय दबना ही पड़े। मैं नहीं कहती कि दबो, सबके सामने दब के रहना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, है ना। हद से ज़्यादा इंसान के सामने नहीं दबना चाहिए। बस मैं जो कह रही हूँ आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे से मेरी फ्रेंड, मेरी सिस्टर, बहुत लोग ऐसे जुड़ते हैं जो कि मेरे जैसे हैं, वही सब मेरे से जुड़ते हैं। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं कुछ अपने लाइफ में बहुत बड़ी डिसीजन लेने जा रही हूँ। तो मैं अभी जस्ट निकलूँगी घर से, और मैं क्या करने वाली हूँ और मैं क्या कर रही हूँ तो अभी तो मैं नहीं बता सकती हूँ, जब तक मैं अपने लक्ष्य पे नहीं पहुँच जाती हूँ। बस उस जगह पे जब मैं पहुँच जाऊँगी, तो सबसे पहले किसी को बताऊँ या ना बताऊँ, सबसे पहले मुझे अपने यूट्यूब की फैमिली, जो मेरी अपनी फैमिली जिसे मैं मानती हूँ, मैं उससे शेयर करूँगी, तो अपने लक्ष्य को जब मैं प्राप्त कर लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग नहीं पूछेंगे कि मैं क्या चीज़ कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। बस उस जगह पे जब तक मैं पहुँच जाऊँगी, मुझे पता है उस चीज़ के लिए मुझे बहुत अभी मेहनत करना है, बहुत संघर्ष करना है, लेकिन बहुत कठिन होता है संभलना, खुद को खड़ा करना, हर एक चीज़ के लिए सोचना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन कोई नहीं, आज सोचेंगे तो कल ज़रूर अच्छा होगा। तो भी पता है मैं ना रेडी होके चली गई थी और वहाँ से आ भी गई थी मैं करीब, मेरा जो खाना है ना वो 12 बजे तक बन गया था आज दोपहर का। और मैं अक्सर क्या करती थी ना, 12 बजे मैं खाना बनाती ही थी दोपहर वाला, लेकिन मेरा आज सवेरे इसलिए बनाई कि मुझे जाना था बाहर, तो मैं चली गई और वहाँ से मैं आ भी गई। वहाँ का चीज़ मैं आप लोगों से नहीं शेयर की, नहीं दिखाई, अगर मैं दिखाती तो आप लोग समझ जाते, इसीलिए वो चीज़ अभी मैं ना सीक्रेट रखना चाहती हूँ आप लोगों से, मैं बताऊँगी खुद ही। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ना, बस आप लोग ना मेरे लिए प्रार्थना करना भगवान से कि जो चीज़ में मैं जो चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, जो चीज़ मेरा सपना है, बस वो चीज़ पूरा हो जाए, बस भगवान से प्रे करना। मैं इतना जानती हूँ कि कहते हैं ना, मतलब दुआ, बस आप लोग दुआ करिएगा, वही दुआ मेरे लिए बहुत लकी साबित होगा। और उसके बाद मैं वहाँ से आई और मैं साड़ी भी चेंज नहीं की थी, बस साड़ी में ही मैं फटाफट से सारा काम अपना निपटाई, जो भी काम था ना। मैं सिर्फ खाना बनाई थी, खाई भी नहीं थी, बस मैं आपको बताई ना कि नाश्ता मैं नहीं की थी, तो नाश्ता मैं कर ली थी, और दोपहर का खाना तो मैं लेट से नाश्ता ही की थी, तो फिर मैं वहाँ से आ करके दोपहर का खाना खाई थी। बाकी बाद वहाँ से आई, पहले सारा काम निपटा ली थी मम्मी और ये, मतलब ये दोनों मतलब खाने बैठे ही थे, और मैं घर आई और ये घर पे थे नहीं, ये कहीं काम से बाहर गए थे, तो मैं अपने देवर को लेके गई थी साथ में, उन्हीं के साथ गई और वो काम करके आ गई। और फिर मैं फटाफट से अपना काम कर रही हूँ और बस माता रानी से आप लोग प्रे करना कि बस मैं ना उस लक्ष्य को प्राप्त करूँ और अपने लाइफ में थोड़ा सा जो है ना टेंशन उसको ख़त्म कर पाऊँ। और ना काफ़ी ज़्यादा बर्तन, मैं बताई ना मैं जब घर से गई थी तो कोई भी काम करके नहीं गई थी, क्योंकि अगर वहाँ थोड़ा सा भी जाने में लेट होता तो वो काम फिर मेरा रुक जाता, फिर मुझे दूसरा दिन जाना पड़ता। इसीलिए कुछ काम ना टाइम से होते हैं और कुछ जो है ना बिना टाइम से होते, लेकिन ये काम टाइम वाली थी। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखेंगे और अपने अच्छे और प्यारे फैमिली से बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ब्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करके जाइएगा, और बहुत सारा प्यार तो देते ही हैं, इसके लिए तहे दिल से थैंक यू एंड धन्यवाद। बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ, तब तक लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब।